बचपन में माँ लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा, अरे आओ पारे आओ, नदिया के किनारे आओ, दूध कटोरा लेके आओ। जी हाँ, आज सच में भारत ने चंदा मामा के लिए दूध कटोरा लेकर भेजा है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो सफलता पूर्वक चंद्रमा की सरफेस पर लैंड हो गया है, और चंद्रयान 3 जो मिशन था वो सफलता पूर्वक चंद्रमा पर पहुंचकर ये बता दिया कि भारत के वैज्ञानिकों के साथ साथ बिहार के भी वैज्ञानिकों में वो दमखम है जिससे वो पूरे विश्व में अपना लोहा बनवा सकते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया, और उस मिशन से पहले तमाम बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे कि कहीं ये चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 फेल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को इतना विश्वास था कि उन्होंने रसिया के चंद्र मिशन के क्रैश होने के बाद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और ऐसा मॉड्यूल उन्होंने मॉडल किया हुआ था कि चंद्रयान 3 जाकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही रुका, चंद्रमा दक्षिणी साउथ पोल पर ही जाकर रुका। चंद्रयान 3 भारत इकलौता ऐसा देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार इतिहास में पहुंचा है, और यह इतिहास नहीं भूगोल भी बदल गया है, क्योंकि यह दिन आज का दिन जो ये 23 अगस्त 2023 6:05 का यह समय और दिन और तारीख था, यह भारत के इतिहास क्या पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और पूरे विश्व के वैज्ञानिक बताएंगे कि भारत के वैज्ञानिकों में बेहद कम रुपए में वो कारनामा करके दिखा दिया जो कारनामा विश्व के वैज्ञानिक बड़े बड़े रुपए और डॉलर और यूरो में कर ही नहीं पाए थे। जी हां, भारत ने इतने कम बजट में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जिसकी आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि चंद्रयान 3 भारत के वैज्ञानिकों की वजह से चंद्रमा पर अपना झंडा बुलंद कर दिया है। 6:05 पर लैंडर चंद्रमा की सरफेस को टच करता है, और जैसे ही टच करता है तमाम वैज्ञानिकों के चेहरे पर हंसी और हाथों में ताली और हाथों में तिरंगा गूंज रहा था। हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही थी, क्योंकि चंदा मामा की गोद में भारत मां का एक चंद्रयान 3 पहुंच चुका था, और यही कारण है कि आज चंद्रमा पर भारत की जय जयकार हो रही है। इतिहास से और भूगोल सब कुछ लिख गया, विश्व के तमाम बड़े बड़े नागरिक बड़े बड़े वैज्ञानिक बताएंगे कि भारत ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर लोरी सुनाएंगे, विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने बच्चों को अपने नाती पोता पर पोता को लोरी सुनाएंगे कि 23 अगस्त 6:05 पर चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर साउथ पोल पर भारत ने पहली बार जो है चंद्रयान 3 को उतार कर इतिहास क्या भूगोल क्या ब्रह्मांड लिख दिया था, और आज ब्रह्मांड में भारत की जय जयकार हो रही है। ये जो चंदा मामा आपको आसमान में रात में दिखते और आपकी मां सुनाती है चंदा मामा अरे आओ पारे आओ, नदिया किनारे आओ, दूध कटोरा ले आओ, आज भारत ने दूध का कटोरा उपहार में चंदा मामा को भेजा है, और राखी जो है पृथ्वी माई ने भारत माता ने चंदा मामा को जो है उपहार में भेजा है। बाकी सच में आज तमाम भारतीयों का सीना 56 इंच का हो गया है और हृदय गदगद हो गया है, क्योंकि 6:05 में भारत ने वो जो कारनामा कर दिया वो विश्व का कोई देश आज तक कर ही नहीं पाया। रूस, जापान, चाइना, अमेरिका सब हैरान परेशान है, वो सोच रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये क्या कर दिया। जी हाँ, वही कर दिया जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते थे। जी हाँ, आज भारत ने इतिहास रचा, भूगोल रचा, ब्रह्मांड रचा, और भारत के वैज्ञानिकों ने वो सब कुछ कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। चंद्रमा के सतह पर जैसे ही चंद्रयान 3 उतरा, उसमें से 6:05 के बाद जो 3.5 घंटा होगा उसके बाद वहां से लैंड विक्रम रोवर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर निकलेगा, और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर मिनरल्स, मिट्टी, पत्थर की जांच करेगा और भारत तक विजुअल और फोटो भेजेगा, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर पानी और मिनरल्स की बात कही थी चंद्रयान 1 मिशन में, और आज चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ है तो चंद्रयान 3 ये पता लगाएगा कि क्या सच में चंद्रमा पर पानी और बर्फ है या नहीं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।